Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. लोकसभा चुनाव परिणाम से सबक लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के ढाई वर्ष पहले ही अलर्ट मोड में आ गई है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मंडल के जनप्रतिनिधियों की बैठक में इसके साफ संकेत दे दिए थे। साथ ही संगठन की ओर से वरिष्ठ पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव की विधानसभावार समीक्षा में लगाकर एक तरह से अभी से अपने चुनाव का विगुल फूंक दिया है। पार्टी नेतृत्व व संगठन की ये राजनीतिक गतिविधियां इसलिए भी अभी से चुनावी दिखने लगी हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव की समीक्षा बीते लोकसभा चुनाव से नहीं हो रही, बल्कि बीते विधानसभा चुनाव में मिले मतों के आधार पर इसका मूल्यांकन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते शनिवार की शाम विपरीत स्थिति में सदर लोकसभा सीट में मिली जीत को लेकर जब महानगर भाजपा टीम को गोरखनाथ मंदिर में अभिनंदन के लिए बुलाया तो उस दौरान वो कहना नहीं भूले कि भाजपा के सभी पदाधिकारी मतदाता सूची के आधार पर बूथवार पड़े मतों की समीक्षा करें और बूथ की स्थिति का आंकलन कर आगे की तैयारी में जुट जाएं। निश्चित रूप से उनका ये संकेत विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जुट जाने के लिए था। साथ ही सीएम योगी ने आगे कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जिन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को कम वोट मिले हैं उसकी वजह तलाशने पर मतदाता सूची के सहारे अभी से काम करें। जो भी कमियां सामने आई हैं उसे तत्काल प्रभाव से दूर करने का प्रयास करें। इसी क्रम में उन्होंने नोटा को मिले मतों की बड़ी संख्या पर चिंता जताई। नोटा पर बटन दबाने वाले मतदाताओं को भाजपा का नाराज मतदाता बताते हुए उन्हें मनाने की राह सुझाई। उधर संगठन के निर्देश पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने समीक्षा के लिए अपने अपने निर्धारित लोकसभा क्षेत्रों की दौड़ लगानी शुरू कर दी है। विधानसभावार कम मत मिलने की वजह से बूथवार तलाशनी शुरू कर दी है। वहीं सीएम योगी ने 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस, 25 जून को आपातकाल दिवस, 30 जून को सभी बूथों पर मन की बात सुनने और 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती हर बूथ पर मनाने का निर्णय लिया है।